हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। आज हम बनाएंगे कोकोनट पेड़ा, जिसको हम नारियल की मिठाई भी बोल सकते हैं, कोकोनट मिठाई भी बोल सकते हैं। आप इसे लड्डू का शेप दीजिए, पेड़े का शेप दीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने एक कप भर के दूध लिया है। दूध जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें 4 चम्मच शक्कर के डाले हैं। मिठास के हिसाब से आप शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच इनफ हो जाता है मीठे के तौर पर। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो 1 चम्मच आप इसे कम कर दीजिए। और अच्छे से मिक्स करके हमें सिर्फ शक्कर को मेल्ट कर लेना है। जैसे ही हमारी शक्कर मेल्ट हो जाएगी, उसमें मैंने 1 कप भर के नारियल का बुरादा डाला है। नारियल के बुरादे की जगह आप फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल के फ्रेश नारियल लेकर आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सर के जार में इसे पीस भी सकते हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है। तीनों की क्वांटिटी आपको लगभग सेम ही रखनी है। और अच्छे से मिक्स कर हमें इसको ड्राई कर लेना है। ध्यान रहे, आपको चम्मच चलाते रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जो दूध पाउडर वगैरह है वो लग जाएगा, जलने की स्मेल आ जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई पे हमें ये काम नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो बैटर है वो फौरन ही जल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा हो गया ड्राई अच्छे से। अब इसे निकाल दीजिए प्लेट में और इसे थोड़ा थोड़ा क्या लगभग ठंडा ही कर लीजिए। उसके बाद आप इसको पेड़े का शेप दे सकते हैं, आप इसका लड्डू का शेप भी देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बीच में एक होल किया है। आप होल करने के बाद इसमें आप ड्राई फ्रूट या तो जैम वगैरह जिससे भी चाहे आप इसे गार्निशिंग कर सकते हैं मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग किया है, ऊपर थोड़ा केसर के पत्ते डाले हैं। आप देख सकते हैं कितनी देखने में भी बहुत अच्छी थी और खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपका कुछ मीठा खाने का दिल हो रहा है, आपको कुछ झटपट बनाना है, तो ये मिठाई बेस्ट है। 15 मिनट में ये मिठाई हो जाती है तैयार, कोई झंझट नहीं, कुछ ज़्यादा चीज़ें भी इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ होती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और हाँ, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन।